बरहन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही 400 किलो मिठाई को पकड़ा, साथ ही दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। आगरा में पंचायत चुनाव को लेकर आगरा की प्रत्येक थाने की पुलिस चेकिंग कर रही है। चेकिंग अभियान के दौरान थाना बरहन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जाई जा रही मिठाई को पुलिस ने पकड़ा। बरहन पुलिस ने लोडर टेम्पो में 800 डिब्बा मिठाई पकड़ी। पुलिस ने मिठाई के साथ दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए 800 डिब्बे मिठाई में रसगुल्ला, खीरमोहन प्रत्येक डिब्बा आधा किलो का पंचायत चुनाव में बांटने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने पकड़ी ग्राम मथुर अलीपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी सुनील कुमार के समर्थन में ले जाई जा रही थी मिठाई। मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही में पुलिस जुट गई। पकड़ी गई मिठाई का वजन लगभग 400 किलो बताया गया है। आवलखेड़ा पुलिस ने रात्रि में चेकिंग के दौरान कार्यवाही की। विजय सोलंकी, आगरा, समाचार 24। चुनाव शुरू होने के बाद में आगरा में लगातार पुलिस जो चेकिंग अभियान चला रही है, इसी के चलते थाना बरहन पुलिस ने आज बरहन में एक लोडर टेम्पो पकड़ा है जिसमें करीब 800 डब्बे मिठाई के पकड़े गए हैं। और क्योंकि अमलखेड़ा पर रात्रि में चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो पकड़ी गई जिसमें तीन पेटियाँ पकड़ी गई हैं। उनमें से थाना बरहन में पकड़े गए आज मिठाई के डब्बों में जो अभी लोगों को मिठाई के लिए ये मिठाई जो लोगों को बांटने के लिए ले जाई जा रही थी, फोटो को अपने लोग लुभाने के लिए ले जाई जा रही थी। विजयपुर में समाचार 24 आगरा।